बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती होती नहीं उसकी, क्योंकि आपको पता है बेइज्जती होती क्या है? नहीं, बेइज्जती जरा से उसको समझिएगा जरा प्लीज, नाजुक बात है। ईगो मेरी, देखें ईगो की हजार डेफिनेशंस और होंगी, आई नो सिंस वी आर रिकॉर्डिंग इट दिस मैसेज मे गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ईगो की नई डेफिनेशंस बताएं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उस एक पर्सपेक्टिव के अंदर ईगो का मतलब यह है कंसिडरिंग योर सेल्फ वट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग योर हार्ट टू प्रोटेक्ट दैट थिंग। असी जट हुन्ने हैं, असी जट हुन्ने हैं भाईजान, असी साडा यह अकीदा है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हूं, आर यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी? अगर अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको हेड इंजरी हो के और वो वेंट के ऊपर पड़ा हो, किधर गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भाईजान? इट्स ओनली अ सॉफ्टवेयर विच इज इन योर माइंड, किधर गया? मैं जट हूं, मैं फला हूं, मेरा वो अकीदा है, मेरा ये अकीदा है। दिस इज, गौर से सुनिएगा मेरा फिक्रा, कंसिडरिंग योर सेल्फ वट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। मैं वार्ड का प्रोफेसर हूं, यू आर एक्चुअली नॉट। आपका नाम जावेद इकबाल है, आप जावेद इकबाल हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की, जो कुछ अरसे के बाद आपसे ले ली जाएगी, और आपसे पहले भी एक बंदे को दी गई थी। सो इफ आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आई फॉरगेट दैट आई एम जावेद इकबाल। अगर मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के ऊपर कोई हट लगा, जरा सा भी दब्बा आया, यानी यह कि मैं कमरे में आया था, उठ के खड़ा नहीं हुआ, ऐसी की तहसीन की जरूरत क्या हुई खड़े? इसका नाम ईगो होता है। ईगो इज प्रोटेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू आर नॉट। इसका नाम बेइज्जती होता है। थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, आपकी सारी ईगो खत्म हो जाएगी। और सच भी यह कि हम कुछ भी नहीं है। और अगर आप इजाजत दें और थोड़ी देर के लिए ट्राई करना चाहें, मैं जरा मास्क ले लूं क्योंकि मैं आपके जरा करीब आ रहा हूं 6 फुट के डिस्टेंस से। अगर फर्ज करें मैं ऐसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, आपको सिर्फ यह कहूं कि मुंह आपका बंद कर दूं और नाक भी बंद कर दूं, सिर्फ आपको पता है हवा के अंदर ये जो मॉलिक्यूल फिर रहा है ऑक्सीजन का, जो कि हवा से निकल के आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में गया और लंग्स से फिर आपकी मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ ब्लड में गया और ब्लड से आपके ब्रेन में गया और आप अलर्ट हुए, इसको कितनी देर के लिए रोक लें, द ह्यूमन बिकम ह्यूमन, अ ह्यूमन बीइंग विल बिकम अ कैरेट, जिसको वेजिटेटिव फॉर्म कहते हैं। आपने सुना वेजिटेटिव फॉर्म? वो वेजिटेबल क्या होती है? कैरेट होती है ना, मूली और गाजर होती है। तो एक इंसान को मूली और गाजर बनने में आपको हैरानी होगी, 4 मिनट का फासला है। उस 4 मिनट की रस्सी के ऊपर आप कह रहे हैं मैं बड़ी शाय भाई, मैं बड़ा बदमाश है इलाके का, मेरा मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई ताकत है। क्या इज्जत है आपकी, हैसियत क्या है? वही बात सब